नमस्कार। संगीतस किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे पास हैं ये काबली चने जो मैंने रात को सोक कर दिए थे और सवेरे नमक के पानी में उबाल लिया। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये गल के हो गए हैं तैयार। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चने की सब्जी, और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी, देखिए ये है प्याज बारीक कटी हुई, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर और ये थोड़ा सा भुना मसाला जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, और ये है साबित मिर्च। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैन के अंदर डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। तो देखिए सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैं डालूंगी ये प्याज। मस्टर्ड ऑयल में छोले बहुत ही बढ़िया लाजवाब बन के होंगे तैयार। और साथ में मैं डाल रही हूँ ये लहसुन, और हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, एक तीखा स्वाद बढ़िया, और साथ में ये साबुत मिर्च। तो चलिए इसको थोड़ा भून लेते हैं। तो देखिए अब ये प्याज भून रही है, मैंने डाल दी हींग बहुत ही बढ़िया। मैं ये हींग इस्तेमाल करती हूँ रामदेव की हींग, बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये, तेज तीखी। और डाल दिया मैंने जीरा, और इसको इस तरह से हम भूनेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ी सी ब्राउनिश होने लगेगी मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर। बिल्कुल सिंपल बढ़िया मेथड, और छोले होंगे लाजवाब तैयार। इतने बढ़िया ये खाने वाले आपकी तारीफ करेंगे। तो देखिए अब मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर। टमाटर के साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ा सा भुना हुआ मसाला। इसके अंदर भी प्याज लहसुन अदरक सारी चीज होती है। मैं हमेशा इसको बना के रखती हूँ, कभी लाइट ना हो, कभी कोई इमरजेंसी हो, कोई मेहमान आ जाए, आपको ये मसाले और हमेशा तैयार खाना चाहिए। तो देखिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी, और मैं डालूंगी सूखा धनिया, और थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, तो बस हम थोड़ा सा ये डालेंगे। और साथ में मैं डालूंगी ये कलर के लिए देसी मिर्च, रंगत बहुत ही लाजवाब आएगी। अब आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितना बढ़िया हो गया। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर छोले, तो थोड़े से छोलों को मैं ऐसे तोड़ के डालूंगी। हम थोड़ा सा मैश करते जाएंगे, तो कहीं पे ये साबित रहेगा, कहीं पे ये ग्रेवी के लिए बढ़िया हो जाएगा तैयार। तो आप देख सकते हैं इस तरह से छोले मैं फ्राई करती जाऊंगी, और लाजवाब सब्जी बन के होगी तैयार। तो देखिए अब छोले मेरे भुन गए, तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। नमक मैंने चने उबालते में भी डाला था, थोड़ा सा मसाले में भी डाला था, इसलिए हमें ज्यादा नमक नहीं डालना है। और साथ में मैं डाल रही हूँ ये चाट मसाला। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया छोलों को चटपटा करने के लिए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा पानी, और 5 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। अब देखिए ये चने का मसाला बिल्कुल अच्छे से चनों में बिक चुका है। तो अब ऐसे समय में हम डालेंगे इसके अंदर पानी, क्योंकि ये मसाला चना हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल। तो आप देखिए क्या बढ़िया रंगत इसमें आएगी। और अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती, और थोड़ा सा धनिया मैं बाद में गार्निश करने के लिए डालूंगी। तो हो गए हमारे लाजवाब चना ग्रेवी वाला तैयार। थोड़ी देर हम इसको पकने देते हैं, तो मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी।
तो देखिए बढ़िया चने बनके हो गए तैयार। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो गई। मैंने थोड़े से चने इसमें मैश करके डाले थे, जिससे कि बहुत ही अच्छा ये हो गया तैयार। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ग्रेवी का बना रही हूँ चपाती के साथ खाने के लिए। तो ये देखिए है ना लाजवाब। अब गैस को करेंगे बंद और मैं इसको एक सर्विंग बोल में डाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आ गए एक सर्विंग बोल के अंदर। बीच में मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी, जिससे स्वाद लाजवाब हो जाएगा। और मैंने डाल दिया इसमें धनिया पत्ती। तो आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट बनके हुआ है ये तैयार। तो डू एंजॉय इट एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। तो आज दोपहर या शाम खाइए ये बढ़िया लाजवाब मसालेदार चने ढाबा स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग संगीतास किचन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव माई किचन वीडियोज़।